माय नेम इज़ मिलिन स्वामी और मैं इस वेब सीरीज़ का प्रोड्यूसर हूँ। मेरे एक और एक प्रोड्यूसर है मिस्टर रजत शर्मा, ये हम दोनों ने मिलके प्लान की हुई है, जिसका नाम है वेब सीरीज़ का लाइफ इन मुंबई और इट्स बीन मेड अंडर द बैनर ऑफ MS डिजिटल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। और ये मूवी त्यागी है जो मेनली प्ले कर रही है इस वेब सीरीज़ में एंड शी इज़ अ वेरी वंडरफुल एक्ट्रेस। Hi, my name is Urvi Tyagi and hi, my name is Urvi Tyagi और इससे पहले मैंने अभी तक सर के साथ ही वेब सीरीज़ की है, आई मीन ये वेब सीरीज़ कर रही हूँ, इससे पहले सर की फिल्म की है ब्लैक है और बस और कुछ आप कुछ। इसके अलावा आपने फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या काम किया है? अभी तक तो मैंने सिर्फ एल्बम्स ही किए बट चांस मुझे कर दी थी। और कुछ प्रोजेक्ट आपके हाथ में है और कुछ? हाँ, एक दो प्रोजेक्ट्स हैं अभी बट अभी डेट फाइनलाइज नहीं है। मिलिंद जी, आप बताइए ये वेब सीरीज आप कब तक रिलीज और किस OTT पे रिलीज करेंगे? OTT इन द सेंस ये हमारा खुद का अपना चैनल है जो उसके लिए हम लाइन अप किए हुए हैं फिल्मैक्स करके। Okay. और ये होपफुली सितंबर, मिड सितंबर या एंड सितंबर तक हम रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं इसको। दिस इज बीन मेड इज नॉट इट्स काइंड ऑफ फिल्म ओनली और इट हैज़ अ वेरी यूनिक स्टोरी। बहुत ही इट्स अबाउट अ लाइफ स्टाइल अबाउट अ मुंबई पीपल, हाउ दे आर लिविंग, हाउ दे आर सर्वाइविंग, इट्स बेस्ड ऑन दैट। आपने बताया आपका खुद का चैनल है OTT चैनल जो है, तो इसके अलावा आप कितने प्रोजेक्ट कर रहे हो? इस बैक टू बैक हमारे अभी 3-4 प्रोजेक्ट्स लाइन अप है। एक हमारी अभी कंप्लीट हुई है ब्लैक डे, जिसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, जिसमें OVG भी उसमें प्ले कर रही है सेंट्रल कैरेक्टर एंड उसके बाद अभी 2 प्रोजेक्ट्स और फ्लोर पर जाने वाले हैं इसके बाद शूट पे। वी आर लॉन्चिंग इन अ वेरी बिग स्केल, तो इसलिए बैक टू बैक वी आर मेकिंग द प्रोजेक्ट रेडी एंड बाय एंड ऑफ सितंबर और मिड ऑफ सितंबर एक के बाद एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए टेलीकास्ट। अच्छा मिलेंगे, आपका थोड़ा सा प्रोफाइल जो है पुराना, आपने क्या क्या किया है थोड़ा शॉर्ट में बताइए। मैं इंडस्ट्री में वैसे तो 91 से काम कर रहा हूँ। ऑफकोर्स आई एम ऑल्सो डायरेक्टर, आई हैव डायरेक्टेड ऑलमोस्ट 12 मूवीज, कुछ इंडिया में बनाई है, कुछ कनाडा में बनाई है, कुछ लंदन में बनाई हुई है और 8 साल में अभी कनाडा में था तो वहाँ भी फिल्म्स बना था, कुछ इंग्लिश मूवीज, कुछ कैनेडियन मूवीज बनाई हुई, हिंदी बनाई है और आफ्टर 2016 आई शिफ्टेड टू इंडिया और पूरा इन हाउस प्रोडक्शन है हमारा, हमारे अपने सारे इक्विपमेंट्स से पोस्ट प्रोडक्शन पूरा सेटअप है हमारे पास, सो दैट्स वेरी ईजी फॉर अस टू मेक द फिल्म एंड बट वी आर फोकसिंग ऑन द कंटेंट and we are only making the content based movie only making it. ये अभी फिल्म जो बना रहे हो ये बड़े पर्दे पे भी दिखाने का कुछ? या वो भी है कि बड़े पर्दे के हिसाब से हम शूट कर रहे हैं प्रोफेशनली एंड मेकिंग भी हमारी एकदम प्रॉपरली जैसे फिल्म की मेकिंग होती है। इनफैक्ट वेब सीरीज तो मैंने तो कभी की नहीं है, जब भी बनाई है फिल्म ही बनाई है, तो कहने के लिए वेब सीरीज है बट इसका शूट और इसकी जो स्क्रिप्टिंग है सारी चीज़ें एज अ फिल्म के हिसाब से हम लोग शूट करेंगे। वी मे गो फॉर द ऑप्शंस आल्सो टू रिलीज इट इन थिएटर आल्सो एंड लेटर ऑन वी कैन पुट इट ऑन फिल्मैक्स आल्सो, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, सो दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग टू शूट। ओके सर, थैंक यू। हाँ, मैं एक्टर कृष्णा बंसल लाइफ इन मुंबई में एक लेखक का किरदार निभा रहा हूँ, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग किरदार जो शक्ति कपूर जी के साथ है, साथ में सैड लोग के साथ है। फिल्म की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, फिल्म इंडस्ट्री के असली सच को उजागर करते हुए इंडस्ट्री की जो बारीकियाँ हैं जो आज तक नहीं आया इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिला, आप जरूर देखिएगा लाइफ इन मुंबई, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, अंदर के सच को बाहर निकालती हुई, पढ़ते उखाड़ती हुई काला सच जो आज तक किसी ने नहीं देखा वो इस लाइफ इन मुंबई में आप जरूर देखेंगे, जरूर देखिएगा, भूल नहीं जाएगा, ये तो सच से वंचित रह जाएंगे, वो सच का अध्याय जो छुपा हुआ है।
जी। हाय सर, हाय एवरीवन, आई एम मिलिंद यादव, आई एम डूइंग अ वेब सीरीज कॉल्ड लाइफ इन मुंबई, आप प्रोड्यूस्ड बाय मिलिंद स्वामी एंड रचित शर्मा, एंड तो ये मेरी, मैं आई एम प्लेइंग अ मेन लीड इन दिस। तो ये कहानी है एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर की जो मैं प्ले कर रहा हूँ, और उसके लाइफ में एक गर्लफ्रेंड है, उसके अलावा उसके नेबर है, और उसके एक जब फोटोग्राफी करता है तो एक लड़की से, तो ये तीनों लड़कियाँ इससे प्यार करने लगती है, और फिर उसमें से एक लड़की उसको कैसे ट्रबल करती है, और दैट इज़ द होल स्टोरी। उस पूरे इसमें आप देखोगे तो हर एक इंसान जो बाहर से आया है मुंबई में अपनी लाइफ बनाने के लिए, तो उसके लाइफ के कुछ क्षण तो उसमें दिखेंगे। हर एक इंसान जो मुंबई आता है कुछ बनने के लिए, तो उसे बनना होता है कुछ, और कभी कभी कुछ अलग बन जाता है, और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है उसको लाइफ में। स्ट्रगलिंग जो मुंबई देती है, सबको देती है, मगर देते देते लेती भी बहुत है। तो वही है कहानी, और बस आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, एंड प्लीज़ टू वॉच माई अपकमिंग वेब सीरीज विच इज़ लाइफ इन मुंबई। थैंक यू। मिलिंद जी, इसके अलावा आपने अभी तक क्या क्या काम किया? अब मैंने धमाल में इंद्र कुमार जी के साथ में एक छोटा सा कैमियो किया है, हम दो अनजाने जैकी श्रॉफ जी के साथ में मैंने एक फिल्म करी है जो मिलिंद स्वामी जी ने डायरेक्ट करी थी, लाइफ में कभी कभी विक्रम भट्ट जी की फिल्म है, उसमें एक छोटा कैमियो किया है। मैंने कुछ मराठी फिल्म्स की है, और बस कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं एक अपना भी नाम बन जाए, बस अभी इतना काम किया है। आई वांट टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ, इट्स अ स्ट्रगलिंग पीरियड, बट डेफिनेटली आई एम वर्किंग विद नाइस पीपल। मिलिंद जी के साथ में काफ़ी काम कर चुका हूँ मैं, और मिलिंद स्वामी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना और ये काम दिया। नीरज सर के साथ में एक छोटा कैमियो किया था जो उनकी इससे पहले वाली फिल्म थी ब्लैक डे, उसमें कैमियो किया था, तो तभी सर ने बोला था कि तो अच्छी करता है एक्टिंग, तुझे मैं अगले फिल्म में ज़रूर कास्ट करूँगा। मुझे पता नहीं था कि मजाक कर रहे हैं या सच कर रहे हैं, तो जब नीरज सर का भी फ़ोन आया कि सर करोगे क्या मेरे साथ में, तो मैं बोला सर क्यों नहीं, ज़रूर। तो यही है नीरज सर के साथ में, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ में काम करने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि नीरज सर, मिलिंद सर काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में है, उनसे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, तो वो एक अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आने वाले कोई और प्रोजेक्ट है आपके पास? जी, एक 7-11 करके एक फिल्म है जो बॉम्ब ब्लास्ट पे, जो ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उस पर आधारित है, और दो प्रोजेक्ट है जो नीरज सर के साथ में कर रहा हूँ, एक दीपक त्रिपाठी करके जो डायरेक्टर सर है उनके साथ कर रहा हूँ, और एक मराठी फिल्म के लिए बात है, तो बस है दो तीन फिल्म है लाइनअप, दैट्स अबाउट इट राइट नाउ फॉर राइट नाउ। थैंक यू सो मच।